धर्मनगरी हरिद्वार में बैसाखी स्नान पर्व को लेकर देश के कोने कोने से श्रद्धालु हर की पौड़ी पहुंचकर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मान्यता है कि बैसाखी के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का हरण होता है। बैसाखी के पर्व पर स्नान के साथ दान पुण्य का भी बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। इस दिन किसानों की उगाई गई गेहूं की फसल की कटाई की शुरुआत की जाती है। अपनी फसल का कुछ हिस्सा दान देने का भी विधान है। वहीं बैसाखी पर्व पर सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने मेला क्षेत्र को 4 सुपर जोन, 15 जोन और 39 सेक्टरों में बांटा गया है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। बैसाखी का स्नान तो पहले से हमें फोर्स में था। फोर्स में हमारे यहाँ बहुत अच्छी बैसाखी मनाई जाती थी, जिसका आज मुझे मौका मिला बैसाखी पे नहाने के लिए, स्नान करने के लिए। बहुत सुख शांति मिली। यहाँ हमारी ड्यूटी भी रहती थी कावड़ में, कुंभ में, हमेशा यहाँ आते रहते थे। आज अलग ही नज़ारा है, यहाँ का अलग ही आनंद है। यहाँ का हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हम अक्सर आते रहते हैं, लेकिन आज बैसाखी का स्नान है तो इसलिए यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे काफ़ी बहुत ज़्यादा भीड़ भी है। तो इसी के चलते के बैसाखी के स्नान पे यहाँ बढ़िया उसे बहुत ज़्यादा फल मिलता है, तो हमें भी स्नान करके बहुत अच्छा लगा। सारी मनोकामनाएँ भी पूरी होती है। देखिए, आज का ये पवित्र त्यौहार, आज से सौर मासी पंचांग मानने वाले सनातनी परंपरावादी लोग, उनका नववर्ष आज से प्रारंभ हो जाता है। सूर्य नारायण आज से मेष संक्रांति में प्रवेश के कारण ये संक्रांति का स्नान भी होता है। विशेष तौर पर उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ये लोग बैसाखी के पर्व को, चूंकि नई फसल खेतों में आ जाती है, नए कार्य शुरू हो जाते हैं,